हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर व्लॉग एंड आज हम लोग प्रॉपर्टी हंटिंग के लिए निकले थे बैंगलोर में। सो आई थॉट कि मैं आपके लिए ये वीडियो बनाती हूँ। तो आज हम लोग आए हैं रात सिटीस्केप में एंड यहाँ पे मैं आपको 3 BHK अपार्टमेंट का पूरा टूर देने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फिर उन पर प्रेस द बेल बटन, सो दैट मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगी यू विल गेट द नोटिफिकेशन। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको इसके एंट्री दिखाती हूँ एंड बाहर में क्या क्या है सारा कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं इस अपार्टमेंट के अंदर एंड इसमें आपको टोटल जहाँ तक मुझे पता है शायद 3 गेट है। तो अभी ये वाला गेट ऑपरेशनल है तो हम इससे ही अंदर जाते हैं एंड अंदर में काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहा है हर जगह। अदरवाइज बहुत सारे जो टार हैं उसमें इनका जो काम है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एंड कुछ बचे हुए हैं वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो अभी हम लोग चलते हैं ये वाले ए ब्लॉक में एंड इसमें हम लोग चलेंगे 2nd फ्लोर पे। तो ये एंटर करते ही कुछ डिस्टेंस के बाद आपको ये ए ब्लॉक मिल जाएगा। तो सबसे पहला यही टावर है, उसके बाद यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको सारे रो हाउस एंड इसमें आपको मिलेगा विला एंड 3 BHK अपार्टमेंट एंड 2 BHK अपार्टमेंट। तो अभी मैं आपको 3 BHK अपार्टमेंट में लेकर चलती हूँ एंड ये मैं आगे के टावर में जो था उसमें आई हूँ। तो यहाँ पे हर फ्लोर पे दिया हुआ है, लाइक हर फ्लोर पे आपको 4 फ्लैट मिलेगा एंड जिसमें होगा 3 होगा 3 BHK एंड 1 होगा 2 BHK। इसके बाद अभी हम लोग एक फ्लैट में चलते हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि सारे ही फ्लोर पे जो कॉरिडोर है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है एंड काफ़ी एयरी भी है। हर फ्लोर पे आपको विंडो मिल जाएगा एंड डोर ओपन करते ही आपको यहाँ पे सामने में काफ़ी बड़ा सा फॉयर मिल जाएगा। इस फ्लैट का सुपर बिल्डअप एरिया है 1612 स्क्वायर फीट। मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा था ये देखकर एंड सामने एंटर करते ही आपको ये बड़ा सा फायर मिलता है। सारे ही जो एरिया है उसका आपको स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगी कि किसका क्या साइज है। तो यहाँ पे देन आपको मिलता है फायर के बाद लिविंग रूम एंड लिविंग रूम भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। देन इसके बाद आता है ये बड़ा वाला बालकनी, इसका भी यू कैन सी यह काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। आराम से आप झूला वगैरह लगाकर 3-4 लोग एक साथ इसमें बैठ सकते हैं, काफ़ी काफ़ी बड़ा है एंड यहाँ पे इन्होंने स्लाइडर वगैरह लगा दिया है, इसे काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। तो यहाँ से व्यू की बात करें तो अभी तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आपको चारों तरफ बस कंस्ट्रक्शन ही दिखेगा, इसके अलावा भी मुझे कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा था। एंड देन अभी बात करें डाइनिंग एरिया का, तो डाइनिंग स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा दिया है एंड इसमें आप आराम से बड़ा वाला डाइनिंग टेबल यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आ जाएगा। एंड इसके बाद चलते हैं किचन में, तो किचन का भी स्पेस जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा किचन है। एंड अभी अंदर चलते हैं तो अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे इंटीरियर का काम हो रखा है एंड उसके बाद भी यू कैन सी हियर काफ़ी अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एल शेप का किचन मिलेगा बट आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जैसा चाहिए आप यहाँ पे मॉडिफाई करा सकते हो। एंड एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे मैं जो ये जो वीडियो शूट कर रही हूँ यहाँ पे मैं बिल्कुल ही नेचुरल लाइट का यूज कर रही हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी मैंने बल्ब वगैरह नहीं जलाया है। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एयरी है एंड बैंगलोर में लाइट एंड हवा मिल जाए और क्या ही चाहिए। देन इसके बाद यहाँ पे ये है यूटिलिटी एरिया, यूटिलिटी एरिया को भी इन्होंने एक छोटा सा रूम की तरह बना दिया है जो कि अच्छी बात है। एंड यूटिलिटी में एंड किचन में दोनों में आपको स्लाइडिंग विंडो मिलता है एंड उससे काफ़ी अच्छा खासा लाइट आ रहा है। देन अभी चलते हैं सामने वाले किचन के सामने, ये रूम है, इस रूम का शायद सबसे बड़ा यही रूम है आई गेस। एंड यहाँ पे यू कैन सी हियर जैसे ही एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे सारा कबर्ड वगैरह बनवाया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से आपको जितना चाहिए आप बनवा सकते हो, मुझे जिन्होंने ये काम कराया है उनका ये अच्छा लगा, काफ़ी बेसिक है बट बहुत अच्छा है, आई मीन बहुत अच्छे से कराया है। अंदर का जो भी
पॉक्स वगैरह का जो है वो काफ़ी अच्छा लगा। एंड एक और बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हर रूम में आपको एक टाइप का विंडो मिलेगा, बड़ा वाला स्लाइडिंग विंडो, एंड विंडो के नीचे यहाँ पे आपको थोड़ा सा एरिया मिलेगा। तो इसमें क्या हो जाता है कि आप आराम से यहाँ पे यू नो बैठ के कुशन वगैरह लगा के आप आराम से बैठ सकते हो। आपको अलग से रूम में यू नो चेयर एंड सोफ़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारे ही विंडो में आपको ग्रिल वगैरह लगा कर देंगे, तो वो एक प्लस पॉइंट है। एंड अभी चलते हैं वॉशरूम में, तो वॉशरूम का भी साइज डिसेंट है, अच्छा खासा है। एंड मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, इस पूरे घर में कहीं पे भी ऐसा एक भी कॉर्नर नहीं है जहाँ पे आपको लाइट नहीं मिलेगा, हर जगह आपको नेचुरल लाइट मिलेगा। एंड एज यू कैन सी योर वॉशरूम में भी इस विंडो से काफ़ी अच्छा सा लाइट आ रहा है। एंड अभी बात करें बेसिन एंड टैप एंड ऑल की, तो इनका भी क्वालिटी, इन्होंने जो हाई एंड ब्रांड जो होते हैं बस वही यूज किया, अच्छे वाले प्रोडक्ट्स इन्होंने ओवरऑल यूज किया है। अभी मैं आपको एक और बार इस रूम का बाहर से दिखा देती हूँ कि कैसा दिखता है, लाइक कितना स्पेस आपको मिल जाएगा इंटीरियर कराने के बाद, सो दैट आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे यू कैन सी हियर काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा आपको। देन अभी मैं आ गई हूँ डाइनिंग एरिया में, एंड इसके बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे अभी इंटीरियर का काम चल रहा है, तो इसलिए ये सारा लकड़ी एंड ऑल ये सारा कुछ रखा हुआ है। तो अभी ये दो जो रूम है इसका जो डोर है वो बिल्कुल ही आमने सामने है, तो अभी चलते हैं इस वाले रूम में एंड लेट्स ओपन दिस एंड देखते हैं इसका क्या साइज एंड ऑल है। तो ओपन करते ही यहाँ पे भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा लाइट आ रहा है। एंड एंटर करते ही इसमें भी कबर्ड वगैरह बनाया हुआ है, एंड देन इसके बाद ये रहा इसका वॉशरूम। एज आई टोल्ड यू, इस घर में ऐसा कोई भी कॉर्नर नहीं है जहाँ पे आपको लाइट ऐसा लगे कि अंधेरा है, लाइट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सारे ही कॉर्नर पे आपको अच्छा प्रॉपर लाइट मिल जाएगा। तो इस वॉशरूम में भी आपको ये विंडो मिल जाएगा, एंड यू कैन सी हियर यहाँ से प्रॉपर लाइट वगैरह आ रहा है। सो काफ़ी एयरी है ये पूरा फ्लैट, एंड यहाँ पे हर फ्लैट में लाइक हर वॉशरूम में अलग अलग टाइल्स वगैरह दिया हुआ है। सो आप चाहो तो अपने हिसाब से भी यू नो चेंज करा सकते हो। देन यहाँ पे भी आपको सिटिंग एरिया मिल जाएगा विंडो के ठीक यहाँ बाहर में, एंड ये वाला भी विंडो सेम जो पहले वाले रूम में है वही है। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को देखी हूँ कि इसमें प्रॉपर इंटीरियर करवा के यहाँ पे कुशन वगैरह लगवा कर आराम से आप बैठ के यू नो बाहर देख सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो एंड लूडो वगैरह खेल सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है। देन यहाँ पे ये जो कबर्ड वगैरह बनाया हुआ है ये भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ओके, तो अभी चलते हैं थर्ड बेडरूम में, एंड यहाँ पे यू कैन सी हियर इसमें भी एंटर करते ही आपको दिख रहा है कितना अच्छा खासा लाइट आ रहा है। एंड इसके बाद ये सबसे छोटा रूम है इस पूरे फ्लैट का, तो इसका भी स्पेस मुझे ठीक ठाक लगा। एंड यहाँ पे आपको एक बालकनी भी मिलेगा, मैं आपको आगे दिखा दूँगी। तो यहाँ पे इसका भी मैं वॉशरूम आपको दिखा दे रही हूँ, तो ये रहा वॉशरूम, एंड इसमें भी आपको प्रॉपर लाइट दिख रहा होगा। अभी चलते हैं बालकनी में, तो इस रूम में आपको मिलेगा एक बालकनी, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहा, यहाँ पे आपको मिलता है स्लाइडर, एंड इसके बाद ये छोटा सा बालकनी, एंड इसमें भी आपको यू नो अच्छा मतलब मुझे अच्छा लगा इसका जो व्यू वगैरह है। यू कैन सी हियर पूरा बैंगलोर आपको इस बालकनी से दिख जाएगा, एंड नीचे में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो फ़िलहाल तो अभी यही दिख रहा है। तो अभी ओवरऑल बात करें इस अपार्टमेंट की, तो मुझे काफ़ी पसंद आया ये, एंड बैंगलोर में प्रॉपर लाइट एंड हवा मिलना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं जितने भी फ्लैट्स में जाती हूँ हर जगह कुछ ना कुछ मुझे प्रॉब्लम्स दिखता है। सो यहाँ पे मुझे आज के आज अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखा है, एंड मुझे ठीक ठाक लगा। एंड मैं जल्दी ही एक और वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको रो हाउस का टूर देने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल पे बने रहना एंड कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आसपास के जो सराउंडिंग हैं वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, लाइक इस टाइप के यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास वगैरह लगाया हुआ है, सो इससे व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। एंड अभी प्रॉपर काम चल रहा है
है तो ज़्यादा कुछ अभी है नहीं यहाँ पे। एंड अभी चलते हैं नीचे, तो स्टेयर्स का भी काम हो रखा है एंड यहाँ पे यू कैन सी हर स्टेयर्स पे आपको इस टाइप का बड़ा वाला स्लाइडिंग विंडो मिल जाएगा। एंड इसके बाद चलते हैं नीचे, तो हर टार के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो, हर टार के नीचे आपको ये अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। एंड बाद में यहाँ पे शायद सोफ़ा वगैरह भी लगाने वाले हैं, सो दैट यू नो अगर कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो आप उनको यहाँ पे भी बिठा सकते हो। एंड अभी मैं आ गई हूँ बाहर एंड ये रहा बाहर का व्यू। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो डोंट फॉरगेट द 3 स्टेप्स, लाइक कमेंट एंड शेयर। एंड मैं जल्दी ही अपने चैनल पे यहाँ का विलास एंड रो हाउस का टूर भी लाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो गाइज, फ्रॉम दिस स्लाइड यू कैन गेट द ओवरव्यू ऑफ दिस 3 BHK प्रोजेक्ट।